वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड के अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की टॉप न्यूज। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बिग बजट फिल्म धाकड़ का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। ये फिल्म नेक्स्ट ईयर अप्रैल में रिलीज होनी है। इस फिल्म में कंगना जमकर एक्शन करती दिखेंगी। इसके लिए हॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर्स की मदद भी ली गई है। फिल्म का फर्स्ट लुक ऑडियंस को काफी पसंद आया है, जिस कारण हर कोई इस फिल्म का इंतजार कर रहा है। लेकिन ताजा रिपोर्ट्स की माने तो कंगना धाकड़ की रिलीज में बदलाव करने का फैसला कर चुकी है, जिसके चलते दर्शकों का इंतजार थोड़ा और लंबा होने वाला है। एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म धाकड़ को कंगना रनौत पहले 8 अप्रैल को रिलीज करने वाली थी, लेकिन अब उन्होंने इसे एक महीने बाद बॉक्स ऑफिस पर लाने का फैसला किया है। कंगना रनौत ने मेकर्स के साथ मिलकर धाकड़ को 20 मई 2022 को सिनेमाघर में रिलीज करने का फैसला किया है। कंगना रनौत ने फिल्म धाकड़ की रिलीज डेट में बदलाव क्यों किया है ये अभी तक तो साफ नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेस की माने तो बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल KGF 2 और लाल सिंह चड्ढा के बीच होने वाले महा क्लैश से बचना चाहती थी। अगले साल अप्रैल के महीने में KGF 2 और लाल सिंह चड्ढा के बीच क्लैश होने वाला है। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ इस क्लैश से एक हफ्ते पहले रिलीज होने वाली थी। ऐसे में धाकड़ को अच्छी तादाद में दर्शक मिलना आसान नहीं होता। ऐसे में कंगना रनौत ने इस बात को समझते हुए मेकर्स के साथ मिलकर फिल्म धाकड़ को रिलीज डेट में चेंज कर दिया है। कंगना का ये फैसला सही साबित होगा या नहीं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि क्वीन कंगना जोश में नहीं बल्कि होश में फैसले लेने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। पनामा पेपर लीक मामले की जांच का मुद्दा एक बार फिर गर्माया हुआ है। बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बीते दिन सोमवार को ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली के लोकनायक भवन में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुई। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेज तलब किया था, जिसके बाद ऐश्वर्या ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हुई। बच्चन बहू के साथ ईडी ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। ऐश्वर्या शाम 7:30 बजे ईडी ऑफिस से पीछे के गेट से निकली। इस पेशी के बाद ऐश्वर्या देर रात ही दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो गईं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जरूरत पड़ने पर ऐश्वर्या राय को दोबारा इंट्रोगेशन के लिए हाजिर होना होगा। बहरहाल बात करते हैं इस पूरे मामले की। आखिर कैसे $50,000 की एक कंपनी की वजह से ईडी की जांच के घेरे में फंस गई हैं ऐश्वर्या राय बच्चन? और जब सोमवार को वो ईडी अधिकारियों के सामने हाजिर हुई तो जांच अधिकारियों ने उन पर कौन कौन से सवाल दागे? ऐश्वर्या राय से पूछताछ करने के लिए ईडी ने सवालों की एक लिस्ट पहले ही तैयार कर ली थी। सोमवार को करीब 7 घंटे तक चली इस पूछताछ में ऐश्वर्या से कई सवाल पूछे गए, जिनमें से कुछ हैं। एमिक पार्टनर्स 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में निर्मित और रजिस्टर्ड कंपनी थी। इस कंपनी के साथ आपका क्या संबंध रहा है? क्या आप उस लॉ फर्म को जानती हैं जहां मोसेका फोंसेका ने इस कंपनी को रजिस्टर किया था? इस कंपनी के निदेशकों में आप, आपके पिता के कृष्ण राज रॉय, आपकी माँ कविता रॉय और आपके भाई आदित्य राय शामिल हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कंपनी प्रारंभिक पेड अप कैपिटल $50,000 है। प्रत्येक शेयर का मूल्य $1 था और प्रत्येक निदेशक के पास 12,500 शेयर थे। आप निदेशक के रूप में अपने पद से शेयर धारक क्यों बनी? इतना ही नहीं, ऐश्वर्या से ये सवाल भी पूछे गए कि उन्होंने $50,000 में खरीदी कंपनी महज $1,500 में क्यों बेच दी? अमिताभ बच्चन की बहू बनने के बाद कंपनियों को बंद क्यों कर दिया गया? इन सवालों के जवाब देने के साथ ही ऐश्वर्या ने कुछ दस्तावेज भी ईडी अधिकारियों को सौंपे हैं। वहीं उनसे पहले बीते महीने अभिषेक बच्चन भी ईडी के सामने पेश हुए थे, तब उन्होंने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स ईडी अधिकारियों को सौंपे थे। बताया जा रहा है कि ईडी जल्द ही अमिताभ बच्चन से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि ये पूरा मामला साल 2016 में तब सुर्खियों में छाया जब 3 अप्रैल 2016 को टैक्स हेवन कहे जाने वाले देश पनामा की एक लॉ फर्म मोसेका फोंसेका का 40 साल का डेटा लीक हो गया।
इस पेपर लीक कांड के बाद खुलासा हुआ कि कैसे दुनिया भर की अमीर और प्रभावशाली हस्तियां अपने देश के कानून को गच्चा देकर टैक्स बचाने के लिए पैसा ऑफशोर कंपनियों में लगा रही हैं। इसके जरिए बड़े स्तर पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। पनामा की लॉ फर्म मोसेका फोंसेका के लीक हुए डेटा में करीब 500 भारतीय हस्तियों के नाम भी शामिल थे। इन्हीं 500 हस्तियों में से एक है बच्चन परिवार। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। इनमें से 3 बहामास में थीं, जबकि एक कंपनी वर्जिन आइलैंड्स में थी। इन कंपनियों की कैपिटल $5,000 से $50,000 के बीच थी, लेकिन ये कंपनियां उन शिप्स का कारोबार कर रही थीं जिनकी कीमत करोड़ों में थी। वहीं बच्चन बहू ऐश्वर्या राय की बात करें तो ऐश्वर्या को पहले एक कंपनी अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया था। बाद में उन्हें इस कंपनी का शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दिया गया। इस कंपनी का हेडक्वार्टर वर्जिन आइलैंड्स में था। अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं बल्कि उनके पिता के रॉय, माँ वृंदा रॉय और भाई आदित्य रॉय भी पार्टनर बनाए गए थे। यह कंपनी 2005 में बनाई गई और 3 साल बाद 2008 में कंपनी बंद हो गई थी। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम, आप देख रहे हैं E24 न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ आपके फेवरेट विलेन जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये बताइए, इतने वक्त के बाद आप हमारे पास आए हैं, 2 साल कहाँ थे आप? बस 2 साल घर पे अपना मौज मार रहा था, बेड पे अपना लेटा हुआ था, सो रहा था। 2 साल मतलब लेटे हैं आप हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी तरीकों के काम में थोड़ा सा बिजी था, और बाकी जो है गाना भी साथ में चल रहा था, और भी गानों के भी काम चल रहे थे, तो अब लाइनअप में 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा है हमारे पास। और इतना वक्त क्यों लग गया इस गाने को लेके आने में? एक्चुअली पता नहीं कौन टोट के मारता है हमारे ऊपर, दिक्कतें इतनी आती है हमारे गानों में, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो एक तो लॉकडाउन भी हो गया था उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ, बट बाकी जो भी खैर जो भी दिक्कतें आई, बट अब गाना आ ही गया, अब हम भी आ गए आपके पास, 2 साल चाहे कितने ही। और ये जो गाने का टाइटल है बेकार, तो ये टाइटल किसका, किसकी देन थी? क्योंकि अगर मैं उसके बारे में पढ़ रही हूँ यूट्यूब पे, तो म्यूजिक विलेन, गाया भी आपने हैं, डायरेक्टर भी आप हैं, मतलब किसी और की जरूरत तो है नहीं आपको, तो ये टाइटल भी आप ही ने सोचा होगा फिर? ऑफ कोर्स। तो 2 लाइनें हो जाए पहले तो ऑडियंस के लिए। ओके, शुरुआत से गाता हूँ। तेरे दिल की तरह बेकार हूँ मैं, तेरे दिल की तरह बेकार हूँ मैं, रह जाऊँ तेरे पास नाकार हूँ मैं, तेरे दिल की तरह बेकार हूँ मैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स की बात करूँ तो इस गाने को लेके अभी तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किससे मिला है, फैन से, फ्रेंड से, फैमिली से? यार सबसे ही अच्छा मिला है इस गाने को लेकर, फैमिली ने तो पहले ही देख लिया था, तो उन्होंने तो पहले से ही काफ़ी पॉजिटिवली इसके बारे में फीडबैक दिया था, बाकी फैंस से भी, फैंस खैर मेरे को वर्ड अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल सब लोगों ने ही मतलब काफ़ी सराहा है, और कमेंट्स वगैरह में भी मैंने ढूंढ रहा था कोई एक आधा नेगेटिव मिल जाए, पर अभी तक तो नहीं मिला। हम क्यों ही चाहेंगे कि नेगेटिव मिले। बाकी गानों की बात करूं तो मतलब इतना इमेंस रिस्पॉन्स आपके गानों को मिलता है, अभी तो इसकी शुरुआत ही, अभी 2-4 दिन ही हुए इसको रिलीज़ हुए। अपने किसी पुराने गाने की अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि इस गाने की वजह से आज विलेन विलेन बना है? नहीं, गानों की वजह से विलेन नहीं बना, विलेन की वजह से गाने बने हैं। क्योंकि वो काफ़ी सोच समझ के बनाए गए हैं, तुक्के नहीं थे कि गलती से कोई हिट हो गया, और ऐसा कुछ नहीं है, तो काफ़ी मेहनत से, और मतलब काफ़ी क्लोज है मेरे सारे ही गाने, बट हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी वजह से उसकी वजह से, सारे सोच समझ के बनाए गए हैं, कोई जो ज़्यादा जिस पे व्यूज़ नहीं है वो भी काफ़ी सोच समझ के, और पता था जिसके बारे में कि ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, जैसे कि मेरा अगला गाना है उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे मुझे पता है। अच्छा। बेकार से अगला जो है, बट ये है कि आर्टिस्ट हैं तो आर्ट हमें प्रेजेंट करनी चाहिए, चाहे वो कितनी स्प्रेड होने वाली है, वास्ट ऑडियंस के लिए, कम ऑडियंस के लिए, बट जिसके लिए जो देख रहा है उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, एक बार हमारी ऑडियंस के लिए आपका फेवरेट और मेरा फेवरेट स्पेशली एक रात, 2 लाइनें हो जाए। दिल भी बोला सुन बावरे अखियों के दुश्मन, ना मैं कभी टूटा था ना खोया था कहीं,
तेरे पास यही हूँ, ये आवाज़ मैं ही हूँ, ये कहानी तेरी मेरी है जमाने की नहीं। मैं धड़कता रहूँ तू भी यूँ हंसता रहे, दुनिया जाए भाड़ में कोई परवाह ही नहीं। थैंक यू। अपनी ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बस वही बोलना चाहेंगे कि भाई बड़े बुरे वक्त से सभी लोग बाहर आए हैं, और अब ज़्यादा टाइम पैसे कमाने में भाग दौड़ करने में ना बिताओ, अपना फैमिली को भी टाइम दो और अपना खुशहाल ज़िंदगी बनाने की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, परेशान होने की बजाय। काफ़ी वक्त हम अपना गुजार चुके हैं क्योंकि ख़राब हो चुका है। थैंक यू सो मच विलेन हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अभय के साथ सोनाली भदौरिया, E24 दिल्ली। बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।